अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह आप सबको खुशाबाद रखे, आमीन। मैं हूँ आज आपकी टीचर जीना शेख, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल से। मजमून खेले करे सीखे से। आज हम एक बार फिर मिट्टी से कुछ चीज बनाना सीखेंगे। आज जो आप लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हो, इसलिए हम थोड़ा आसान जेवर बनाना यानी हार बनाना सीखेंगे। बच्चों क्या आप जानते हो कि इसे क्या कहते हैं? इसे टीका यानी बिंदिया कहते हैं। ये माथे के बीचों बीच लगाई जाती है। ये उसी के साथ में होता है, ये कहलाता है मांग टीका। ये आगे के सर को पूरी तरह से कवर करता है। ये रहा झूमर, इसे पासा भी कहते हैं। बच्चों ये सर के एक तरफ लगाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर किसी दुल्हन को देखा होगा, दुल्हन लोग अक्सर ये झूमर लगाते हैं। ये है हेयर क्लिप, इसमें एक छोटी सी कंघी भी है। ये भी अक्सर हम जब कहीं पर पार्टी वगैरह या शादी वगैरह में जाते हैं तब हम इसे बालों में लगाते हैं, जिससे हमारे बालों की रौनक बढ़ जाती है। इसे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। बच्चों जल्दी से बताइए ये क्या है? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों ये बाली है, कानों के नीचे की ओर हम इसे पहनते हैं। बच्चों ये मुख्तलिफ किस्म की होती है, आपको पता है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ टॉप स्टेप की होती है, तो कुछ झुमके वगैरह भी आप लोगों ने देखे होंगे। इसे ये भी बाली है, इसे सुई धागा कहते हैं। क्या आपको पता है ये क्या है? ये नथ कहलाती है। वेरी गुड। ये नाक की एक तरफ पहनी जाती है। अक्सर आप लोगों ने इसे भी दुल्हन को पहनते हुए देखा होगा। ये है लौंग, कुछ लोग इसे कील भी कहते हैं। ये भी अलग अलग किस्म की होती है, सोने की, चांदी की, डायमंड की और भी मुख्तलिफ किस्म की धातु की बनी होती है। यह है बच्चों बाजूबंद, जो हाथ के बाजू में बांधा जाता है, इसलिए इसे बाजूबंद कहते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग इसका इस्तेमाल करते थे, आजकल बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता है, चलो जल्दी जल्दी बताइए कि ये क्या है। वेरी गुड, चूड़िया है। तो आपको भी पता है ये मुख्तलिफ रंग की होती है, मुख्तलिफ डिजाइन की होती है और मुख्तलिफ धात, धात मतलब जैसे कि सोने की, चांदी की, पीतल की, कांच की और भी मुख्तलिफ किस्म के और भी जो धातें हैं चलती है बेटा, जैसे लोहे की भी कुछ बनाई जाती है, कभी कभी पीतल की भी बनती है, तो वगैरह वगैरह अलग अलग धातुओं से ये बनाई जाती है। और आपको पता है कि ये दोनों हाथों में पहनी जाती है। ये जो चूड़ियां होती है जो चौड़ी होती है, हम उसे
कड़ा कहते हैं, ये भी अलग अलग डिजाइन में आप लोगों को देखने मिलती हूँ। यह है बच्चों ब्रेसलेट, जो एक हाथ में लोग ज्यादातर पहनते हैं। ये भी आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन वगैरह में देखने मिलेगी। आप लोग भी शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे। ये तो आप लोग अच्छी तरह से पहचानते होंगे, जल्दी जल्दी बताइए ये क्या है। वेरी गुड, रिंग यानी अंगूठी। इसे हम हर उंगलियों में पहन सकते हैं, हमारे हाथों की 10 उंगलियों में। बहुत सारे लोग 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, 10 उंगलियों में पहनते हैं। कुछ लोग एक में, कुछ लोग दो में, जिसका जैसा शौक होता है बच्चों, वो इस तरह से ये रिंग इस्तेमाल करता है। आप लोगों को पता है रिंग भी अलग अलग धातु की बनाई जाती है, सोने की, चांदी की, डायमंड की वगैरह वगैरह, यानी पत्थरों की भी। कुछ लोग पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है, एक पत्थर है और ये सोने की रिंग है। ये रहा पंजा, ये भी अक्सर आप लोगों ने दुल्हन को पहने हुए देखा होगा। ये भी मुख्तलिफ धातुओं से बनाई जाती है, सोने के, चांदी के, मेटल के वगैरह। बच्चों क्या आप इसे जानती हो, ये क्या है? ये है कमरबंद। जैसे हम बाजू में बाजूबंद बांधा जाता है, उसी तरह से कमर पर कमरबंद बांधा जाता है। ये भी पुराने जमाने में शहजादियां, रानियां वगैरह जो होती थी, वो लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। आजकल इसका भी इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। इसे तो आप लोग अच्छी तरह से पहचानते होंगे। वेरी गुड पायल, क्या आपने पहनी हुई है? यस, वेरी गुड। तो पायल बच्चों, छोटी सी बच्ची जब होती है तभी से उसे पहनाया जाता है। आप लोगों को पता है ये चांदी की, कुछ लोग इसे सोने में भी बनाते हैं, और आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत तरह की निकली है। ये कहलाता है बच्चों बिछुआ, काटने वाला बिच्छू नहीं बच्चों, ये बिछुआ है। इसे भी पैर की हर उंगली में पहन सकते हैं। ये भी ज्यादातर आप लोगों ने दुल्हनी को पहने हुए देखा होगा। ये क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। हार, वेरी गुड। तो आप लोगों को हार के बारे में तो पता है कि हार अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग धात के और अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बच्चों आज हम मिट्टी से एक हार बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें सुई धागा और क्ले यानी चिकनी मिट्टी की जरूरत है। तो आप लोग सब रेडी है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के क्ले सामने रखना है अपने, और हर क्ले से थोड़ा सा पीस तोड़ के उसको हाथों की मदद से गोल गोल करना है।
उसके लिए सबने सब पहले आप लोग एक पेपर बिछा के रखे सामने, ताकि आप लोग जो भी मोती बनाते जाएंगे वो उस पर रखे आसानी से, यहां वहां चले जाए मोती। आप लोग भी मेरे साथ में बनाते जाए। अब हम दूसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के लिए मिट्टी उससे आप लोग ध्यान दीजिए कि वो एक दूसरे में चिपक ना जाए, इसलिए उसे अच्छी तरह से रोल करके, जब आप लोगों का काम हो जाता है तो उसे अच्छी तरह से रोल करके प्लास्टिक में ही रखिए। अगर आप उसे प्लास्टिक में नहीं रखेंगे तो वो सूख जाती है और दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहती है। इसमें आप लोग अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। अभी हम जो है तीन तीन मूर्ति एक एक कलर की बना रहे हैं। अगर आपके पास आप लोग अलग अलग कलर की नहीं बनाना चाहते हैं तो आप किसी दो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे ऑरेंज कलर की मूर्ति तैयार हो गई है। अब हम तीसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। एक जरूरी बात बच्चों, आप लोग जब कभी भी क्ले का इस्तेमाल करोगे तो उसे हाथ की मदद से ही गोल करना है। जो भी शेप देना है आप हाथ की मदद से कीजिए, जमीन पर रखकर उसे बिल्कुल ना कीजिए, वरना उसकी जो चिकनाहट होती है वो खत्म हो जाती है और जो आप चीज बनाना चाहोगे वो नहीं बनेगी। फिर अब हम येलो कलर की मूर्तियां बना रहे हैं। एक ही किले से बच्चों हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना सकते हैं। आप लोगों को हर बार नए किले खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब भी उसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद वापस दोबारा उसे रोल करके और प्लास्टिक में बंद करके रख लीजिए और फिर एक नई चीज बनाने के लिए आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमने नीले कलर का इस्तेमाल किया है।
आप लोग देख रहे हो किस तरह से, आप लोगों को भी इसी तरह से पूरी मूर्तियां पहले रेडी करनी है। जब हमारी पूरी मूर्तियां रेडी हो जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग देख रहे हो कि हाथ की मदद से ही से बनाया जा रहा है। किसी को भी टेबल वगैरह पर इस्तेमाल ना कीजिए। अब हमने व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस बहुत ही जल्द हमारी मूर्तियां तैयार हो गई। आप लोग देख रहे हो थोड़े थोड़े किले का इस्तेमाल करना है आपको, बहुत ज्यादा किले का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने लिए हैं पर्पल कलर, यानी जल्दी से बताइए पर्पल कलर को उर्दू में कौन सा कलर कहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। पर्पल कलर को उर्दू में क्या कहते हैं, कौन सा कलर कहते हैं? बैगनी। वेरी गुड। अब हमारी मूर्तियां तैयार हो गई है। अब हम एक उसी के साथ में पैंडल बनाएंगे। आप लोगों ने देखा है अक्सर हार में, हार भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं, आपको पता है ना। अगर आप सादा बनाना चाहते हो तो सिर्फ मूर्तियां बनाइए, अगर आप पैंडल वाला बनाना चाहते हो तो उसमें एक पैंडल भी बना सकते हैं। हम पैंडल के लिए भी थोड़ी सी ज्यादा किले की जरूरत है। आप उसे पहले उसी तरह से गोल कीजिए और फिर उसे हाथों की मदद से फ्लैट कीजिए यानी चपटा कीजिए। फिर आपको जो डिजाइन देना हो आप उसे आसानी से वो डिजाइन दे सकते हो। हैंडल भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं, आपको पता है। कुछ स्टार टाइप के होते हैं, कुछ सन के होते हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह के होते हैं, कुछ लीफ होते हैं। तो आप लोगों को जो आसान लगे आप वो उस तरह के डिजाइन का पैंडल बना सकते हो।
तो मोतिया और पैंडल बनने के बाद बच्चों आपको बड़ी सी सुई का इस्तेमाल करना है और उसमें धागा डाल के रखना है पहले से, और एक एक करके आप लोगों को मोतियां उसमें डालती जानी है। अगर आपको सुई में धागा डालना नहीं आता हो तो आप अपनी अम्मी भाई बहनों की मदद ले सकते हो। ध्यान से सुई अपनी उंगली में ना चुबा लेना। इस तरह से हम उसे धागे में पुरोएंगे। आप लोग एक के बाद एक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मल्टी कलर का भी बना सकते हो। हमने मल्टी कलर का ही बनाया है, लेकिन हमने तीन तीन मोती का एक साथ इस्तेमाल किया है। आप लोग एक के बाद दूसरा कलर, दूसरे के बाद तीसरा कलर, इस तरह से भी हार को डिजाइन दे सकते हो। और दरमियान में आपको पैंडल लगाना है। पैंडल के लिए भी आप लोगों को उसे सुई धागे के जरिए ही पुराना है। ये लीजिए, आप लोगों का हार तैयार हो गया है। इस तरह से आप लोग अपनी गुड़िया जो आप लोगों के पास खेलते हैं, जिससे आप लोग आप उसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म के हार बना सकते हो। अब हम हार के साथ में कान में पहनने के टॉप्स भी बनाएंगे। बहुत ही आसान है। आप लोगों के पास जो भी टॉप्स होते हैं वन डायमंड वाले, आप दो मोती बनाइए और उसके दरमियान में उसे लगा दीजिए। साथ ही हम अपनी उंगलियों के लिए एक रिंग बना सकते हैं। रिंग बनाने के लिए आसान तरीका है, आप उसे क्ले को रोल कीजिए और फिर अपने फिंगर पे घुमा के उसे ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए। आप लोगों की रिंग तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप लोग जो भी जेवर बनाना चाहते हो वो आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को यह हार बनाना आसान भी और मजेदार भी लगा होगा। बच्चों तो आज हमने मुख्तलिफ जेवर के बारे में मालूमात हासिल की। इन जेवरों के अलावा भी बच्चों एक जेवर होता है जो कि हर इंसान के पास होना बहुत जरूरी है, और वो है हया का जेवर। हया यानी शर्म।
आप लोगों ने सुना होगा कि जिस इंसान में हया नहीं होती वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है। तो बच्चों, जो हया जो जेवर है वो हर इंसान के पास होना बहुत ही जरूरी है। इसी से इंसान पहचाना जाता है कि वो इंसान है, वरना इंसान और जानवर में कोई फर्क ना रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। रेडी? सब बच्चे रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि आज हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट लाइन, आप लोग अपना अपना नाम लिखिए। सेट मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेज दी। चलिए फर्स्ट लाइन में आप लोग अपना अपना नाम लिखिए। फर्स्ट जो ले ली, सेकेंड लाइन आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। थर्ड में आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, चूड़ियां कितने हाथों में पहनते हैं? ऑप्शन है एक, दो या तीन। सेकेंड क्वेश्चन, हार कहाँ पहनते हैं? कान में, गले में या हाथ में? जल्दी से बताइए। थर्ड क्वेश्चन, बाजू में पहने जाने वाला जेवर, यानी बाजू में कौन सा जेवर पहना जाता है? आप सिर्फ उसे क्लिक कीजिए। नंबर फोर, पैरों में क्या पहनते हैं? हार, नथ या पायल? फिफ्थ, नंबर फिफ्थ, कान में पहने जाने वाले जेवर को क्या कहते हैं? बाली कहते हैं, झूमर कहते हैं, क्या अंगूठी कहते हैं? आगे बढ़ते हैं बच्चों। पंजा किसे कहते हैं? तस्वीर में देखिए कि पंजा किसे कहते हैं। कमर पर बांधे जाने वाला जेवर, इनमें से कौन सा जेवर कमर पर बांधा जाता है? मांग टीका कहां लगाया जाता है? माथे पर, नाक पर या हाथ पर?
नाक में क्या नहीं पहनते हैं? इनमें से नाक में क्या नहीं पहनते बच्चों, ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन, एक डजन चूड़ी में कितनी चूड़ियां होती है? ये सवाल का जवाब तो आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे चूड़ियां पहनते हैं या जो बच्चे नहीं भी पहनते तो उनकी मम्मियां पहनती है। 10, 11 या 12? इसी के साथ वेरी गुड, काफी रिस्पॉन्स आने भी लगे हैं, बच्चों को 10 में से 10 भी मिल रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इसी के साथ हम दोबारा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।